तो हेलो बच्चों, आज है महाशिवरात्रि और आज आप सभी बच्चों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके पिछले लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, और इस पर हम लोगों ने बहुत सारा न्यूमेरिकल भी किया था। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। और ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग 11th क्लास में भी पढ़े हैं, जहाँ पे इस टॉपिक का नाम था ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़े हैं। और ये चैप्टर जो हमारा इलेक्ट्रिक चैप्टर है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो चलिए समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, और इस पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का पूरा लेक्चर इसी टॉपिक पर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड हमारा टॉपिक है पहला इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। पहले आप हेडिंग लगाते हैं विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप अगर ऐसे ही बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रिक के कारण आता है, किसी चार्ज के रीजन से। जैसे अगर यहां पे कोई हम प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज अगर हम रखे हुए हैं, किसी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज अगर रखे हुए हैं, और इसके सामने या इसके पास अगर किसी हम क्यू नॉट चार्ज को लेके आते हैं, क्यू नॉट चार्ज, तो ये वाला जो चार्ज है ना, इसको ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे यानी इस पे एक फोर्स लगाएगा। ये प्लस क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। अब फोर्स क्यों लगा रहा है? ऐसा इसलिए, जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि जब दो आवेश अगर एक दूसरे के पास लेके आए, जैसे कूलाम का नियम हम लोग पढ़े थे कि जब दो चार्ज को, बहुत बड़ा बड़ा चार्ज हो या बहुत छोटा चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, उसको जब हम एक पास अगर लेके आते हैं तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। वो चीज अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कूलाम के नियम में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे अगर कोई चार्ज प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, कोई भी चार्ज ले सकते हो, माइनस चार्ज भी इधर ले सकते हो, पहले इधर इसको समझते हैं। अगर कोई प्लस चार्ज हो और उसके उसके सामने अगर हम क्यू नॉट चार्ज को लेके आते हैं, क्यू नॉट चार्ज क्या है? इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्यू नॉट चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश। फिजिक्स में केवल टेस्ट करने के लिए इस चार्ज का यूज किया जाता है, केवल टेस्ट करने के लिए, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन ये होता क्या है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है यानी प्लस चार्ज होता है। तो ये क्यू नॉट चार्ज प्लस चार्ज है, और जब इस प्लस क्यू के पास इसको लेके आएंगे तो ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। और इस फोर्स लगाने से ये कहेगा कि भाई आप हमसे दूर चले जाओ, दूर हटो हमसे, ये अपने अपने पास से इसको दूर भगाएगा। समझ रहे हो ना? तो दूर भगाने पर यहां पे एक फोर्स लग रहा है इस पे, तो वो जो फोर्स है वो किसके कारण लग रहा है? इस प्लस क्यू चार्ज के कारण। क्या अगर हम प्लस क्यू चार्ज के सामने खड़ा हो जाए और इसको ढक लें तो क्या ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा? एकदम नहीं। दिखने या ना दिखने से ऐसा ये नहीं हो सकता है कि ये फोर्स लगाना बंद कर देगा, ये फोर्स लगाएगा भले ही आपको दिख ना रहा हो। चार्ज अगर है तो वो फोर्स उस पर लगाएगा, और इस चार्ज के कारण अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा, अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा। और उस क्षेत्र के अंदर अगर हम कोई भी चार्ज लेके आते हैं, कोई भी अगर प्लस चार्ज लेके आते हैं या माइनस चार्ज लेके आते हैं, तो उसको या तो अगर प्लस चार्ज रहेगा तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस चार्ज रहेगा तो वो उसको आकर्षित करेगा। समझ रहे हो? जैसे मान के चलो कि इसका ये एक फील्ड, ये एक फील्ड हम बनाते हैं, एक फील्ड बहुत ही जबरदस्त फील्ड देख रहे हैं, एकदम ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, अब आ गया। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट गो। ये मान के चलते हैं ये इसका एक फील्ड है, समझ रहे ना? जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं कि भाई हमारा गांव, हमारा एरिया है, इस एरिया में कोई भी आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? मार देंगे, यानी उस पर एक फोर्स लगा देंगे। फोर्स लगाने से क्या होगा? वो वहां से भाग जाएगा। सेम चीज,
इसका एक एरिया बन गया, देख लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज का एक एरिया है, और इस एरिया में किसी भी चार्ज को लेके आते हैं, कोई भी चार्ज हो। यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, कोई भी टेस्ट हम लोग करते हैं फिजिक्स में ना, तो इसको भाई टांग के लेके आ जाओ, उठा के रख दो कहीं भी, टेस्ट कर लो। तो इस चार्ज को जब हम इस यहाँ पे अगर लेके आते हैं तो क्यू नॉट चार्ज पे ये चार्ज एक फील्ड लगा, एक फोर्स लगाएगा जो कि इसका डायरेक्शन होगा। इस चार्ज को आप इधर भी लेके आओगे तो भी यही काम होगा, इधर एक ही एक फोर्स लगाएगा, समझ रहे हो ना। मतलब इसके एरिया के अंदर अगर चार्ज को लेके आते हो तो ये फोर्स लगाएगा, लगाएगा कन्फर्म लगाएगा। अब सवाल ये है, ठीक है, कि वो जो फोर्स लगा रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, और क्या ये फोर्स जो लगा रहा है वो अगर इसको एरिया से बाहर रखे तब वो फोर्स लगाएगा, एकदम नहीं। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इस क्यू नॉट चार्ज को रखें, जैसे अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इसका विद्युत क्षेत्र केवल इतना ही तक है और क्यू नॉट चार्ज को हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या वो फोर्स लगाएगा, एकदम नहीं लगाएगा। यानी किसी आवेश के कारण, किसी भी चार्ज के कारण उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में यदि किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो एक बल का अनुभव करता है, यानी वो उसको फील होता है कि हम पे कोई फोर्स लगा रहा है, तो उस फील्ड को हम लोग, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नोट्स आप लोग बनाते रहिए और उसको लिखते रहिए साथ में। यानी किसी चार्ज के कारण, किसी चार्ज के कारण चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में यदि कुछ दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, किसी दूसरे चार्ज को, तो उस चार्ज को एक फील होता है, एक बल का अनुभव होता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे तो इस पे ये फोर्स नहीं लगेगा, एकदम लगेगा, क्योंकि इसके एरिया में है, ये बाहर की तरफ प्लस चार्ज है। अब यहाँ से एक चीज हमको ये भी सीखने को मिलता है, ध्यान से देखिए कि जहाँ जहाँ भी हम क्यू नॉट चार्ज रख रहे हैं वहाँ वहाँ क्यू नॉट चार्ज पे ये प्लस क्यू अपना एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन उस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सारा बाहर की तरफ है, देख रहे हैं आप लोग, इधर बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, यही तो है, ये तो किसी क्यू नॉट चार्ज को लेके ये एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखती नहीं है लेकिन होती है ये, लेकिन इस पर हम लोग दूसरे लेक्चर में लेके आएंगे, उस पर बात करेंगे। अभी इतना समझिए, किसी चार्ज के कारण अगर कोई क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में अगर किसी भी हम चार्ज को लेके आते हैं तो एक बल का अनुभव करता है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस माइनस क्यू चार्ज में भी होता है। यहाँ पे अगर कोई माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक है ना बाबू, तो इसके चारों ओर भी एक फील्ड बनेगा, और इस फील्ड में अगर हम किसी क्यू नॉट चार्ज को लेके आते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हैं। यहाँ भी अगर किसी क्यू नॉट चार्ज को लेके आएंगे तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित क्यों करेगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज है और क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, जब माइनस प्लस एक दूसरे के साथ आएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो आकर्षित करने का इसका एक फील्ड है, इसी फील्ड के अंदर इस चार्ज को रखिएगा तभी वो आकर्षित करेगा, और वो आकर्षित करने का डायरेक्शन देख रहे हैं आप, इस तरफ है माइनस क्यू चार्ज पे। क्यू नॉट चार्ज को अगर लेके आते हैं तो भी माइनस क्यू चार्ज ऐसे आकर्षित करेगा, लेकिन इसका जो फील्ड लाइन्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो अंदर की तरफ होता है, और प्लस क्यू चार्ज का फील्ड लाइन बाहर की तरफ होता है, समझ आ रहा है इतना। हाँ, एक चीज और बता दें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं, इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन्स, विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, उसको लिख देते हैं हम, क्षेत्र रेखाएं, कौन सी क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां तक जा सकती हैं, इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, अनंत तक, बहुत दूर जा सकती हैं। यानी ये प्लस क्यू चार्ज की जो रेखाएं हैं वो इनफाइनाइट तक जा सकती हैं, समझ रहे हो। माइनस क्यू चार्ज की रेखाएं इनफाइनाइट से आ रही हैं, ये इनफाइनाइट पर जा रही है। यानी प्लस चार्ज का जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किसी पॉइंट से स्टार्ट होके, इस पॉइंट से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं, और ये अनंत से होते हुए आके यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये इसका कोई भी चार्ज हो, एनी चार्ज, कोई भी चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ये आपको हमेशा याद रखना,
तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर क्यू नॉट चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्यू नॉट चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता क्योंकि इतना स्मॉल चार्ज, छोटा सा छोटा चार्ज, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए तो इसको टेस्ट के लिए रखा जा रहा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया नोट। चलो अब सवाल ये उठता है हाँ कि क्या अगर हम उस क्यू नॉट चार्ज को उस प्लस क्यू चार्ज से दूर लेके जाते हैं तो क्या उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फोर्स वो नजदीक था तब लगा रहा था। मतलब बात को समझिए, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज हो, अगर इस पॉइंट पे हम क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो हमको पता है कि इस पर एक फोर्स लगेगा, समझ रहे हो। मतलब मान लो इन दोनों के डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, आर डिस्टेंस आर दूरी पर अगर कोई चार्ज है तो ये प्लस क्यू चार्ज हमको पता है क्यू नॉट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा जो कि बाहर की तरफ होगा। क्या इस चार्ज को हम यहाँ से इस पॉइंट का नाम दे दें ए, ए से अगर बी पॉइंट तक लेके आ जाए तो क्या इस फोर्स का वैल्यू वही रहेगा जो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे है। इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट्स आपको टोटल व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाके आपको कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहाँ पे अगर आप पर्सनल प्रोफाइल पे भी आके मैसेज कीजिएगा तो वहाँ भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नोट्स का कोई टेंशन नहीं है, टॉपिक वाइज आप समझते चलिए। हमने क्या पूछा आपसे कि क्या ये प्लस क्यू, आप ये भी ध्यान रखिएगा, प्लस क्यू चार्ज जो है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, वही बताए थे, और माइनस क्यू चार्ज पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो डायरेक्शन होता है वो अंदर की तरफ होता होता है, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अंदर तरफ, यानी यहाँ पे अगर क्यू नॉट चार्ज को लेके आते हैं तो उस फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है ना, और यहाँ भी अगर कोई माइनस क्यू चार्ज लेके आते हैं तो उसका फोर्स बाहर की तरफ, क्योंकि माइनस माइनस प्रतिकर्षित, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। हमने क्या बोला कि क्या अगर r डिस्टेंस पे कोई क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है उस पर जो फोर्स लग रहा है तो क्या इस पॉइंट पे फोर्स जो लगेगा वो दोनों इक्वल होगा। दिमाग से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, एकदम नहीं हो सकता। अरे अगर आपके पास कोई बहुत नज़दीक कोई आपके पास दूर हो उस पर अगर आप एक गुस्सा बल फोर्स लगा के मार दीजिए, क्या उस आपसे वो थोड़ा और दूरी पर चला जाएगा तो क्या वो फोर्स आप लगा पाइएगा, नहीं, वो फोर्स आपका कम हो जाएगा। वो फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके मतलब उससे पहले ये पढ़िए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अभी हमने बताया कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज हो उसके फील्ड में अगर किसी क्यू नॉट चार्ज को लेके आते हैं तो उसको फील होता है कि हम पे कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ है, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। अब इस फोर्स का वैल्यू हमको निकालना, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए, एकदम लगे रहिए। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे क्यू नॉट चार्ज पे लगने वाले फोर्स का वैल्यू आर के बाद जितना, अब ये जो फॉर्मूला हम निकालने वाले अभी क्यू नॉट चार्ज के कारण प्लस चार्ज के कारण आर दूरी पर लगने वाला फोर्स, इसके बाद आप किसी भी डिस्टेंस पे आर ही नहीं आर से और डिस्टेंस, इस पॉइंट को यहां से उठा के यहां रख दें, यहां से उठा के यहां रख, किसी भी डिस्टेंस पे कितना फोर्स लग रहा है इस प्लस चार्ज के कारण वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। यानी देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्यू नॉट पे एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स का डायरेक्शन आप देख रहे हो इसे बाहर की तरफ है,
वहां पे अब इस पॉइंट पे हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, देखो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो स्टेप याद कर लीजिएगा, आपको दो तीन स्टेप है वो निकल जाएगा। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमने बताया नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ये होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन फोर्स की दिशा में, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आप सीखे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट के कारण जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ाए तो वहां पे एक फॉर्मूला ये छूट गया था। हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, तो मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है पी पॉइंट पे। हमको पता है कि इस पे फोर्स लगेगा ऐसे बाहर की तरफ, और ये जो पॉइंट है इस पे हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चलो निकालते हैं। सबसे पहले आपको इस क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लीजिए, यानी सबसे पहले आप फोर्स निकालिए और जो फोर्स आने वाला है, पहला स्टेप क्या है, क्यू नॉट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, ये फोर्स किससे निकलेगा, कूलाम के नियम से, क्योंकि कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला दिए हैं। क्या किस फॉर्मूला से फोर्स निकलेगा, के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला। यानी सबसे पहले फोर्स निकालिए और दूसरा स्टेप क्या बताया, इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, यानी जो आप यहाँ पे चार्ज लिए उससे भाग दीजिए, हो गया आपका, निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट। ये दो स्टेप कैसे, हमको क्या इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्यू नॉट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, हमने निकालेंगे सबसे पहले क्या, फोर्स। तो सबसे लिखेंगे हम पी बिंदु पर, पी बिंदु पर प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बल, यानी फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, के क्यू यानी पहला चार्ज, दूसरा चार्ज हमारा है क्यू नॉट, डिस्टेंस क्या है आर, आर का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया कि आप फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बताएं, एफ बाई क्यू नॉट, एफ का वैल्यू क्या है बाबू, के क्यू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, फॉर्मूला क्या है के क्यू बटा आर, यानी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है किसी भी पॉइंट पे। देखिए अब हम ये पूछ रहे थे, अभी आपको समझा रहे थे कि क्या हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो क्या ये फोर्स जो लग रहा है इस प्लस चार्ज के कारण वो कम होगा या बढ़ेगा। आप यहां से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के व्युत्क्रम में है, देख रहे हैं आप, यानी ई व्युत्क्रम में है आर स्क्वायर के, यानी जैसे जैसे हम आर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। कम होने का मतलब अगर दूरी बढ़ाते हैं हम तो फोर्स भी कम होगा, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो रहा है इसका मतलब दूरी बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों इनवर्स में है, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, दूरी जैसे जैसे कम करोगे यानी इस क्यू नॉट चार्ज को उठा के इस पॉइंट पर रख दो, डिस्टेंस कम हो गया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, इस क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट से उठा के यहाँ पर रख दो, आर बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड
कम हो गया, आर घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इस पॉइंट के तुलना में, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा इस पॉइंट के तुलना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट्स बनाते रहिए आप लोग साथ में, ज्यादा दिक्कत हो तो हमने बोल दिया डिस्क्रिप्शन में जो कम्युनिटी ग्रुप है उससे ज्वाइन कीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। है नहीं कुछ फिजिक्स यार, बच्चों वाला सब्जेक्ट कुछ नहीं है फिजिक्स में। तो हमने पढ़ा अभी तक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे किसी चार्ज के कारण कितना इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो हमने पढ़ा इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, यानी इसका सदिश निरूपण, इसको अगर वेक्टर में चेंज करेंगे तो फिर उसका वैल्यू क्या होगा। उससे पहले हम क्या काम करते हैं, इसका यूनिट यूनिट बता देते हैं, इसका यूनिट डायमेंशन ये सब भी बता देते हैं। यूनिट तो आप निकाल सकते हो, है ना, देख लो यूनिट कैसे निकालोगे। पहले ये जान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये एक सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इनका एक डायरेक्शन है, ये किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, या फिर ऐसे समझ लो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ, और माइनस क्यू चार्ज है तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ। डायरेक्शन पता चल गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन अगर प्लस चार्ज है बाहर की तरफ होगा, माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ। ठीक है, हम लोग डायमेंशन पर भी बात कर लेते हैं और इसका यूनिट भी जान लेते हैं। ठीक है, पहले आते हैं, देखो के क्यू, पहले यूनिट का बात करते हैं, यूनिट के का यूनिट, के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक था। चार्ज का यूनिट सी इंटू, यहाँ पे देखो ऑलरेडी आर स्क्वायर बैठा हुआ है, हम भूल गए थे आर का, आर मतलब दूरी, दूरी यानी मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम से कूलम कैंसिल, न्यूटन पर कूलम, यही वाला यूनिट, सेम यूनिट, किसी से फॉर्मूला से निकालो, इस फॉर्मूला पे या इस फॉर्मूला, दोनों पे यूनिट सेम सेम, यूनिट सेम है, डायमेंशन निकाल सकते हो। डायमेंशन सर ये क्या बच्चों वाला, अब तो निकल ही जाएगा। न्यूटन का डायमेंशन बल का एम एल टी माइनस थ्री, कूलम बट्टा में है यानी कूलम का भी ए इंटू टी, टी जब ऊपर जाएगा तो एम एल, और टी माइनस में थ्री है ऊपर जाएगा तो माइनस एम एल टू, एम एल टी माइनस टू होता है शायद, ठीक है ना, एम एल टी माइनस टू होता है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये परफेक्ट है, ये मेरी गारंटी है, कोई नहीं काट सकता, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन भी उतार लो। चलो चलो इरेज करते हैं इसको, हमने बोला था इसका वेक्टर फॉर्म, ये बोल रहे हैं वेक्टर फॉर्म, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, वेक्टर फॉर्म में चेंज करो। वेक्टर देखो, जब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कूलाम के नियम को भी हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज किया था, क्योंकि कूलाम का नियम क्या बताता है, बल, बल वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है, इसका भी सदिश निरूपण हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो सदिश निरूपण, सदिश निरूपण, इलेक्ट्रिक फील्ड का सदिश निरूपण। चलो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाला कि किसी पॉइंट पे अगर प्लस चार्ज हो, प्लस क्यू चार्ज हो, इसके पी पॉइंट पे
एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बाबू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? इस और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, दिमाग लगाओ, वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? अगर किसी वेक्टर को लाके इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि उस वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करने पे इस फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि यूनिट वेक्टर लेके आते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा? यही डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर होगा। डायरेक्शन मतलब दोनों के बीच का दूरी आर है, आर का यूनिट वेक्टर कैप लगा देंगे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अरे आर कैप 11th में पढ़े हो ना भाई, आर कैप यूनिट वेक्टर होता है किसके बराबर? वेक्टर आर बटा मोड आर। क्या सर, 11th का टॉपिक, यूनिट वेक्टर आर कैप, किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा दो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? एक के। आर कैप का फॉर्मूला वेक्टर आर बटा मोड आर, ठीक है ना? चलो तो इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब क्या के क्यू इस आर स्क्वायर को मोड के अंडर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आर स्क्वायर। अब ये जो आर कैप है क्या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। तो हम इस आर कैप को लिखते हैं वेक्टर आर बटा मोड आर, वेक्टर आर बटा मोड आर। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू के इंटू क्यू, ये आर स्क्वायर ऑलरेडी है, एक और आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर का क्यू और इंटू में वेक्टर आर, बदल गया वेक्टर फॉर्म में। यही तो वेक्टर फॉर्म है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। चलो नोट करो इसको, वेक्टर फॉर्म इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? देखो आप लोग याद करो याद करो याद करो पिछले लेक्चर को। पिछले लेक्चर में आप लोगों को शायद सेकंड लेक्चर में, सेकंड लेक्चर होगा कूलम्ब का नियम, जिसमें हम लोगों ने बताया था, याद नहीं है लेक्चर देख लेना, कि कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ में हमने, हाँ पिछले लेक्चर में याद आ गया, सुपर पोजिशन हम लोग पढ़े थे, आवेशों का सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेज यानी आवेशों का अध्यारोपण, ठीक है? अभी हम लोग उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, है ना? आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण? आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेज, लिख लो इसको भी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेज, चार्जेज। इसको आप क्या बोल सकते हो? सुपर पोजिशन। क्या? सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन, छोड़ो बोल सकते क्या, आवेशों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत सारा चार्ज, एक दो नहीं बहुत सारा, तीन चार पाँच छः सात आठ, बहुत सारा चार्ज रखा हो। चलो चार्ज दो तीन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज या प्लस चार्ज, दो तीन चार्ज हो। हमने आपसे क्या पूछा? क्यू वन क्यू टू भी कर सकते हो, प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री ये क्यू फोर, डिस्टेंस आर वन डिस्टेंस आर टू डिस्टेंस आर थ्री, बहुत सारा चार्ज हो गया। देख लो चार चार्ज, फोर चार्ज। हमने बोला कि ये सारे चार्ज जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएंगे, फोर्स। अरे सब चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज है तो इस पर एक फोर्स लगाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अभी हम लोग पढ़े। मान लो इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके फील्ड में ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये दोनों पे फोर्स लगाएगा,
समझ रहे हो ना, इस चार्ज पे, इस चार्ज का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड में मान के चलो इसके चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फील्ड में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी, यानी हर एक चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इन तीनों चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इन तीनों पे लगाएगा, फिर Q3 चार्ज इस पे, इस पे, इस पे, बाकी तीनों पे लगाएगा, इस प्रकार से ये हर एक चार्ज बाकी जितने चार्ज बच रहे हैं उन सारे चार्ज पे एक फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएगा, फोर्स। तो हम पूछेंगे टोटल फोर्स क्या होगा, ठीक है, तो जो टोटल फोर्स लगा रहा है, जैसे ये एक चार्ज है, ये चार्ज इस पे, इस पे, इस पे फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इसी को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आवेशों के कारण विद्युत की तीव्रता। तो देखो फोर्स वाला फॉर्मूला आप कूलम्स लॉ में पढ़ लिए हो, कूलम के नियम में हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है भाई, दो चार्ज एक दूसरे पे R1 डिस्टेंस पे है, तो Q1 चार्ज Q4 पे लगाया गया जो फोर्स होगा Q41 है ना, फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, के Q1 दूसरा चार्ज Q4 बट्टा में R1 का स्क्वायर पढ़े हो, फिर ये चार्ज एक फोर्स लगाएगा F42 = K, पहला चार्ज Q2 दूसरा चार्ज Q4 बट्टा में डिस्टेंस क्या है R2, तो R2 का स्क्वायर पढ़े होंगे, कूलम्स के लॉ में पढ़े होगा ये। फिर पूछे हम भाई Q4 पे ये भी एक फोर्स लगाएगा, Q43 जो चार्ज है वो फोर्स किसके बराबर होगा, तो K, फर्स्ट चार्ज क्या हमारा Q3, सेकेंड चार्ज क्या है Q4 बट्टा में डिस्टेंस क्या भाई R3 का स्क्वायर पढ़े हो कूलम्स लॉ में। अरे फोर्स एक दूसरे पे कितना फोर्स है, टोटल फोर्स क्या, टोटल फोर्स पूछे हम नेट फोर्स, तो क्या पढ़े हो ना भाई, F4 due to 1, F4 due to 2 और F4 due to 3, सबके मैग्नीट्यूड को जोड़ दो नेट फोर्स निकल गया। ये पढ़े हो तुम लोग कूलम्स लॉ में आवेशों के अध्याय, मैंने पिछले लेक्चर जाके देख लो भाई, इतना कौन समझाता है। चलो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फिगर मिटा दिए कोई दिक्कत नहीं, फिर बना लेते हैं हम लोग, फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स नहीं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो एक चार्ज लेते हैं यहाँ पे हम प्लस में Q1, फील लो फिजिक्स का फील लो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, फील प्लस Q1, इधर एक चार्ज माइनस Q1, छोटा सा बच्चा है गांव से हमारे साथ यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, क्या करें, फील लो, इतना मेहनत कर रहा है छोटा सा बच्चा, तुम लोग क्यों नहीं कर सकते यार, माइनस प्लस Q3, एक चार्ज लेते हैं यहाँ पे माइनस Q4, भाई फिगर डिस्टेंस R1 डिस्टेंस R2 डिस्टेंस R3, फील लो पढ़ो खूब पढ़ो। चलो ये डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस डिस्टेंस, चलो हमने क्या पूछा कि इस अगर इस Q4 चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस वाले चार्ज के कारण, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज क्या फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अभी फॉर्मूला बताएं कि पहला चार्ज लेंगे Q1 अपन R1 का स्क्वायर, यही होगा E1। देखो दोनों में अंतर क्या है, कूलम्स लॉ में और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस थोड़ा सा है, क्या इसमें एक चार्ज गायब हो जा रहा है, गायब, Q4 चार्ज का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसका कोई वैल्यू नहीं है, देख लो यहाँ Q4 चार्ज है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम लोग निकालते हैं तो पहले चार्ज को लेते हैं, पहला चार्ज, जो चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, नहीं इसका इंटेंसिटी कितना होगा इस चार्ज पे, उसी इस चार्ज को लेके आते हैं। लेकिन फोर्स अगर निकाल लो, फोर्स F4 due to 1 = कूलम्स लॉ के Q1 फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज Q4 दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 का, ये फोर्स निकलता है। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज गायब, केवल बचा क्या Q1, यानी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस चार्ज पे पहले चार्ज करण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के Q1 अपन आर का R1 का स्क्वायर, इसको हम E1 भी कह सकते हैं, फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस पे R1 डिस्टेंस पे, ठीक है।
E2 इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड चार्ज के कारण कितने डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे, के इनटू चार्ज क्या है Q2 इनटू फिर R2 का स्क्वायर, फिर तीसरे चार्ज E3 इज इक्वल टू के चार्ज क्या है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q3, डिस्टेंस क्या है R3 का स्क्वायर, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तीनों का निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकलेगा, जब इस इलेक्ट्रिक, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका, तीनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड यानी जोड़ेंगे, जोड़ते हैं इसको, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 और प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड E3, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E net इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम लोग, चलो नोट करो इसको जल्दी से, चलो इरेज करें, चलो मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं और इस पे करते हैं, और इस पे, इससे पहले हम करते हैं एक, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी पे ज़्यादा जोर दे रहे क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम विद्यार्थी हैं भाई का, और इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बी पॉइंट पे एक चार्ज है -2 माइक्रो कूलम का, हमने पूछा है कि एक पॉइंट इन दोनों के बीच में पी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपने, आपको हमने बताया आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता है भाई, अरे सबसे पहले एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देते, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू सर E1 प्लस E2, यही तो करना होता है, यही तो करना होता है, अरे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, देखो चलो ये 1 माइक्रो, माइक्रो क्या होता है सर, माइक्रो जो होता है इसका वैल्यू होता है 10^-6, याद रखो तुम लोग न्यूमेरिकल के लिए, ये हमने कूलम्स लॉ में के न्यूमेरिकल में बताया था। चलो E1 अभी बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सर K Q/R² अभी तो फॉर्मूला बताया, ठीक है K Q/R² सर E1 पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड K इंटू क्या है 1 माइक्रो × 1 माइक्रो/R का वैल्यू R1² दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 का वैल्यू सर 2 माइक्रो/R² अच्छा K R1² अच्छा ये बताओ दोनों के बीच में ये पॉइंट है तो डिस्टेंस दोनों का सेम होगा तो R² कर लेते हैं ना, अरे दोनों के जब भाई दोनों 2 सेंटीमीटर हम पूछे एकदम मिड पॉइंट में, इधर से भी 1 सेंटीमीटर इधर से भी 1 सेंटीमीटर मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जों से वो पॉइंट एकदम सेम डिस्टेंस पे होगा, R² ले लेते हैं, ठीक है ना, चलो K/R² आप देखो दोनों में कॉमन है बाहर निकाल लो, बचेगा इधर 1 माइक्रो कूलम, इधर बचेगा प्लस में 2 माइक्रो कूलम, ये नहीं कि भाई माइनस में है तो उसको माइनस में ला कर रख दो, नहीं वेक्टर फॉर्म में केवल प्लस माइनस रखा जाता है, माइनस में न्यूमेरिकल बना रहे हो तो प्लस डाल के जोड़ दो K² = (N2) में हो जाएगा 2 और 1 = 3, माइक्रो का वैल्यू 10^-6, चलो इसको हल करते हैं, इधर K का वैल्यू लेके आते हैं 9 × 10^9, ये हो गया 3, अरे 2 माइक्रो 1 माइक्रो 2 1 3 माइक्रो, तो 3 माइक्रो का वैल्यू सर 10^-6, R निकाल लो कैसे निकालोगे R, अरे टोटल दूरी जब 2 सेंटीमीटर है तो बीच का दूरी क्या होगा 1 सेंटीमीटर ही तो होगा, अब 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए क्या होगा 0.01 मीटर² है तो स्क्वायर, ये देखो 9 × 3 = 27, 10^9 में से 10^6 घट गया 10^-3 होगा -3,
जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, 0.0001 यही होगा। इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दो तो ये बचेगा 27 × 10⁻³। अब पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10⁻⁴, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 10⁴। तो ये हो जाएगा 27 × 10⁴, 10⁻³ घट गया, इंटू में 10, 27 × 10। इसको पॉइंट में बदलो, 10 से भाग दे दो, 10 से भाग दे दो तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा, भाग दोगे तो 2.7 × 10 का 10 से गुणा, 10 स्क्वायर न्यूटन कूलम, न्यूटन पर कूलम। नोट करो। हर भोले शंकर भोले, हो गया नोट हो गया। रुको, थोड़ा सा मिस्टेक। अरे 9 में 6 हो गया, प्लस में 3 हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गलत हो गया। प्लस तीन, 4, 3, प्लस में 7, 10⁻⁷, और एक और 7, एक और 10 जुट गया, 10⁸, 8 कर, 8 करके इरेज करते हैं, जल्दी इरेज। चलो मिटाते हैं। सेकंड नंबर दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है ना। टाइम पढ़ते जाओ, उसके बाद से तो तुम लोग खुद कर लोगे, विद्यार्थी तेज हो तुम लोग। दूसरे टाइप के क्वेश्चन, चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं, नाम देते हैं ए बी सी। इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज, इधर भी प्लस क्यू चार्ज, इधर माइनस क्यू चार्ज। मैंने पूछा कि सर इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिस्टेंस ले लेते हैं, ए इधर भी ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जब ए है तो एंगल भी सारा 60 डिग्री। हमने क्या पूछा, इस ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर वही चीज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए भाई, प्लस क्यू चार्ज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालो, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दो, ऐसे ही तो निकलता है, ठीक है। तो इस चार्ज करना इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ई वन। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इक्वल होगा, अरे दोनों का डिस्टेंस तो ये है, चार्ज भी सेम है, क्यों दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एकदम सेम है। सेम होने के कारण अगर मान लो हम E1 निकालते हैं तो सर KQ/A² E2 निकालते हैं सर KQ/A² दोनों सेम है तो यहाँ पे यूज करेंगे वेक्टर। क्या अगर कोई भी दो वेक्टर एकदम मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, दोनों का परिमाण बराबर हो, तो उनका नेट जो मैग्नीट्यूड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो होगा वो इधर बीच से होके जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला जैसे मान लो दो वेक्टर, ऐसे कोई भी दो वेक्टर, ऐसे इसका ए, ये भी ए, नेट फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, नेट इन दोनों का मैग्नीट्यूड, नेट मैग्नीट्यूड बीच से होके जाएगा, तो वो जो ए का वैल्यू होता है वो होता है √A² है ना, प्लस B² अगर ये बी मान लो, कुछ भी बी का वैल्यू भी ए है तो वही B² प्लस 2AB cos θ, यही होता है। सेम फॉर्मूला, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, √E1² E2 का स्क्वायर, 2AB यानी 2E1 E2 cos θ। क्या भाई E1 और E2 दोनों को E मान लिए क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसके जगह पे E का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी E का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2E में E से गुणा होगा, E² cos θ का वैल्यू सर 120 120 120 डिग्री। 120 डिग्री कहाँ से आया, अरे भाई ये 60 डिग्री
तो ये 120 बाय कौन निकालना सीख लो भाई, नाइन्थ क्लास में है थ्योरम, उतना कौन समझाता। ई जुटेगा 2e2, यहाँ पे 2e2 है, ये है कॉस 120 का मान माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट में ये तो ये है 2e2, तो 2e2 प्लस, प्लस नहीं जी प्लस माइनस माइनस e2, 2e में से एक ई खत्म, e2 बाहर निकलेगा तो e, और e का वैल्यू सर क्या, तो k³ a² k³ a² नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा k³ a². चलो नोट करो जल्दी से, जाते हैं इसको, ये दूसरा न्यूमेरिकल था, टाइप बदल के बता देते हैं न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बच्चे छोड़ देते हैं, टीचर्स भी छोड़ देते हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हो अच्छे से पढ़ाओ, टीचर्स भी बेईमानी करके पढ़ाते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर का साइड ए, पॉइंट लेते हैं ए बी सी डी, चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं लेते, हमने क्या पूछा सी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सवाल ये सी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस टाइप का सवाल आपको कूलम्ब लॉ में बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया कि सबसे पहले दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हमको निकालेंगे, ठीक है ना, दो चार्ज के यहाँ पे इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ई बी लिख देते हैं, ई बी इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बाहर की तरफ ई डी, बाहर की तरफ क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। अब यहाँ पे EB और ED का वैल्यू निकालें, EB का वैल्यू क्या होगा, तो K Q अपॉन डिस्टेंस क्या A, तो A का स्क्वायर, ED क्या होगा, तो ED भी वही होगा K Q अपॉन A स्क्वायर, दोनों बराबर है तो दोनों को हम E मान सकते हैं। फिर वही कंसेप्ट, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एकदम बराबर, तो नेट मैग्नीट्यूड बीच से होके जाएगा इसे, यानी इस दोनों चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, वो निकालने के लिए वही फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, है ना, ई सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सी बिंदु पर, सी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, बी और डी के कारण, वही फॉर्मूला भाई, ई इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों का वैल्यू बराबर है तो ई ही लगते हैं, ई स्क्वायर इधर भी ई स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ई, नहीं समझ रहे हो, समझो एक बार और समझो, यहाँ पे एक वर्ग है स्क्वायर है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, इस पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या सोचा, हमने सोचा है कि इस चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको भी रोक के रखते हैं बाद में निकालते हैं। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और इस चार्ज कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। अब हमने देखा कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालें, ई बी इज इक्वल टू के और पहला चार्ज यहाँ पे, बी के निकालें तो बी का चार्ज क्यू, डिस्टेंस क्या ए, तो ए स्क्वायर, ED के लिए क्या लेंगे तो K Q, यहाँ भी डिस्टेंस है स्क्वायर तो ए स्क्वायर, दोनों का वैल्यू बराबर है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, E मान लेते हैं। वेक्टर वाला कंसेप्ट, अगर भाई दो वेक्टर हो दोनों एक दूसरे के बराबर हो, मान लो कि यहाँ A हो यहाँ B हो, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो तो नेट मैग्नीट्यूड बीच से होके जाता है, ये हमने बताया बार बार बता रहे हैं फिर बता रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बीच से होके जाएगा ऐसे। फॉर्मूला क्या होगा इस मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, नेट एक मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
थीटा, थीटा के इन दोनों के बीच का कोण, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है भाई, ई डी है, ई डी को हमने क्या माना है जी, ई, ई बी को भी हमने क्या माना है ई, तो ए स्क्वायर माने ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने ये बी स्क्वायर, क्योंकि हमारा ए ये है बी ये है दोनों आपस में बराबर हैं ई के, तो हमने सब जगह ई लिखा, प्लस टू ए बी कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, क्यों 90 डिग्री, क्योंकि ये वर्ग है यदि ये 90 तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 90, ठीक है। ई का ई, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर टू ई स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान क्या होता है भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हमारे मन से जीरो, कॉस 90 का मान जीरो, तो यहाँ पे इनटू में जीरो, तो ये बच गया टू ई स्क्वायर, बाहर निकला तो ई अंडर रूट दो निकल गया, ई अंडर रूट दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इस दोनों पॉइंट पे जो चार्ज रखे हुए हैं यानी बैठे हुए हैं इन दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अभी तो एक चार्ज ये बाकी है ना भाई, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा बाहर की तरफ, ये इसी नेट पे आएगा यहाँ पे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, समझ रहे हो, अरे हमने इन दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जो कि कितना बराबर है ई अंडर रूट दो, अब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में निकल रहा है, उसी डायरेक्शन में जाएगा जिसका नाम दे दे रहे हम ई है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई रूट दो प्लस में ई ए आके जुट जाएगा, जुटेगा जुटेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम, अरे इन दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है देख लो और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, दोनों का डायरेक्शन सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण और इन दोनों के कारण आगे दोनों जुटेंगे, ई ई का वैल्यू के क्यू अपन ए स्क्वायर अंडर रूट दो का अंडर रूट दो प्लस अभी इसको वही लिखते हैं, ई अंडर रूट दो ही लिखते हैं, इस पे आते हैं प्लस इसके कारण देख लो डिस्टेंस ए नहीं होगा, ये निकालना पड़ेगा डायगनल, यानी इसको विकर्ण कहते हैं, वर्ग का विकर्ण ए अंडर रूट दो, भुजा इंटू अंडर रूट दो, तो दूरी भी यही होगा ए से लेके सी तक का, तो के क्यू और दूरी के जगह लिखेंगे हम ए अंडर रूट दो का स्क्वायर, ए अंडर रूट दो का स्क्वायर, तो ई अब ई के जगह लिख लेते हैं के क्यू बटा ए स्क्वायर, दिख रहा है ना के क्यू बटा ए स्क्वायर, ठीक है दिख रहा है, अंडर रूट दो प्लस के क्यू बटा ए का स्क्वायर ए स्क्वायर रूट दो का स्क्वायर में करेंगे तो दो आएगा, दोनों में क्या सेम है भाई, के क्यू बटा ए स्क्वायर, के क्यू बटा ए स्क्वायर दोनों से बाहर निकाल लो, के क्यू बटा ए स्क्वायर क्या निकालोगे, के क्यू बटा ए स्क्वायर बचेगा क्या, अंडर रूट दो, यहाँ क्या बचेगा वन बाई टू, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, नोट करो। हो गया, मिटाते हैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लो भाई बाद में, नोट्स के लिए तुमने बोल दिया, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आके ग्रुप से जुड़ो सारा नोट्स आपको मिलेगा। एक और न्यूमेरिकल, तीन न्यूमेरिकल हमने किया, चार पांच, एक एक न्यूमेरिकल और करते हैं, एक न्यूमेरिकल और, अब ये टाइप बदल जाएगा, ये जबरदस्त टाइप न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल है लेके चलो हम देखते हैं, सबसे पहले टाइम वही रहा, और यहाँ पे एक ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, और कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे ले लेते हैं प्लस फोर क्यू चार्ज, इन दोनों का डिस्टेंस ले लेते हैं पता ही नहीं है, एल ले लेते हैं, एल एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस फोर क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L। हमने कहा कि किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो लेना है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, किस पॉइंट पे, और वो पॉइंट मतलब क्या कि
इन दोनों से कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। और वो पॉइंट ऊपर नीचे नहीं भाई, इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए, इसी लाइन पर होना चाहिए। या तो इधर ले लो तुम, या उधर ले लो, या बीच में ले लो कहीं, ठीक। मान के चलते हैं कि अगर वो पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं तो इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा E1, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा E2। दोनों का डायरेक्शन सेम, तो जीरो आ सकता है क्या? एकदम नहीं। अगर दो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे इधर से भी फोर्स लग रहा है, कोई बल लगा रहा है इसी पे, मान लो ये चौक है, इस पे एक लड़का फोर्स लगा रहा है इस पे इधर से, और एक और लड़का आया वो भी इधर से ही फोर्स लगाने लगा, तो क्या उन दोनों का फोर्स जीरो हो सकता है? कभी नहीं। जीरो कब होगा? जब इधर से कोई फोर्स लगा रहा है फिर इधर से कोई फोर्स लगाने लगा, दोनों का फोर्स जब इक्वल होगा तो जीरो हो जाएगा। सेम चीज, अगर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे शून्य हो ही नहीं सकता। सेम प्रोसेस ये भी उधर ही होगा, अगर उधर भी अगर पॉइंट लेते हैं तो दोनों का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। यानी कहीं ना कहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जीरो बनाना है तो पॉइंट जो है वो हमको इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं भी ले सकते हैं, उधर नहीं इधर ही ले लो उधर, इससे नज़दीक रहेगा। उधर ज़्यादा दूर चले जाओगे उधर तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा ना, क्योंकि वो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस फोर क्यू चार्ज, चार गुना, इस चार्ज से चार गुना ज़्यादा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा होगा ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, छोटा सा चार्ज छोटे से एरिया, इसलिए थोड़ा सा इसके नज़दीक रखो, छोटे वाले चार्ज के नज़दीक। हमने इस पॉइंट को मान लिया P, और हमने यही माना कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस x। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा? जब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में बराबर होगा, यानी E1 इज इक्वल टू E2। E1 का वैल्यू सर क्या? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, एंड डिस्टेंस क्या है? E1 का डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर। E2 का वैल्यू के क्यू, क्यू नहीं फोर क्यू। डिस्टेंस क्या है भाई? तो l माइनस x का स्क्वायर, l माइनस x का स्क्वायर, l माइनस x का स्क्वायर। के क्यू से के क्यू कटा, के से के क्यू से कट गया, इधर बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, इधर बच गया 4 बाई एल माइनस एक्स का इधर स्क्वायर। अब एक देखो काम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एल माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो एक से गुणा होगा तो एल माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर 4 से गुणा होगा तो 4x का स्क्वायर। अगर 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 इस स्क्वायर को इधर लेके आते हो, एल माइनस एक्स इधर आएगा तो रूट में होगा 4x स्क्वायर, और बाहर निकलेगा 4 का स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर का x, और ये प्लस माइनस के साथ आएगा, यानी एक बार में हम प्लस 2x लेते हैं, x उधर गया जुट गया, l इज इक्वल टू 3x, यानी x का वैल्यू हो जाएगा l बाई 3, और एक बार में हम माइनस 2x लेते हैं तो l माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2x, और माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और घटेगा तो एल माइनस एक्स, दिस इज रॉन्ग, ये हो ही नहीं सकता। और एक्स का वैल्यू डिस्टेंस माइनस में कैसे हो गया भाई? नहीं हो सकता, प्लस में होगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू हमारा सही है, परफेक्ट सही है। एक्स का जो होगा, एक्स का मतलब यहाँ इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से क्या होगा, टोटल डिस्टेंस का 3 से भाग देंगे, एक तिहाई होगा, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जो पहले चार्ज से कितना दूरी पर है, इस दूरी का एक तिहाई है, मतलब अगर 30 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, और उस चार्ज से कितना दूरी पर है भाई, दूसरे चार्ज से, तो निकाल लो एल माइनस एक्स है ना, क्या है, एल माइनस एक्स, तो एल
माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया है एल बाई थ्री, एल बाई थ्री नीचे वन, एल सी एम थ्री एल माइनस एल बाई थ्री घट गया तो टू एल बाई थ्री, ये हो जाएगा टू एल बाई थ्री, यानी उस चार्ज से कितना दूरी पर है टू एल बाई थ्री, पहले चार्ज से कितना दूरी पर है एल बाई थ्री। चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लो, इधर आ जाओ। एक होमवर्क देते हैं आपको, घर से करके लाना है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक माइनस नाइन क्यू चार्ज, इन दोनों के कारण, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, ये आपको बना के लेके आना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए बेस्ट ऑफ लक।